उन्हीं का है, उन्हीं का मेल है, उन्हीं के बालू है, उन्हीं के गुलाम है। अंदर जो है मैंने देखा जा करके तो इसमें बालू का भंडारण हुआ पड़ा है। अब ये वैध है क्या अवैध है, इनका डंपिंग का लाइसेंस है कि नहीं है, इसकी जांच करानी होगी। हिलने नहीं पाएंगे वो भाई। बहुत विकट आदमी हूँ मैं बहुत दिन से जान से बैठा था। मैं इस थाने की पूरी कारगुजारी देख रहा हूँ। ये नाबालिग बच्चियों को मारा जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, 12-12 साल की लड़कियों के खिलाफ। कल से वो भी देखूंगा मैं, बता दीजिएगा अपने कप्तान को जाकर के। ये पागल रहता है इस शहर में, उसका नाम साकेत मिश्रा है। मैनेज हो जाएगी, सपा सरकार में मैंने मैनेज नहीं होने दिया। अपने लोगों को 14 साल से ढोया है, लाठी का ये जेल गया हूँ, तब ये गवर्नमेंट चाहिए। कल तक अगर उनके कार्रवाई नहीं हुई और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये लाश नहीं जला जाएगी, ये पंडित साकेत मिश्रा कह रहा है, ध्यान रखिएगा। ये ग्रामीण दारा नगर के हमारे पास पहुंचे, पता लगा कि यहाँ पे ट्रैक्टर पर एक लड़का है जो दारा नगर का है नौजवान, वो बालू ढोने का काम करता है। ये अवैध डंप है, बालू यहाँ पे डंप की जाती है और यहाँ से अवैध खनन का पूरा व्यापार चलता है। और कप्तान और पुलिस ये कार्रवाई चौकी के जा रही है, इसके खिलाफ भी होगी। सुन लीजिए तहसीलदार साहब, नाक के नीचे से व्यापार चल रहा है, कैसे कर सकता है कोई अगर कोई ना चाहे? हम लोग हिम्मत नहीं कर सकते हैं गलत काम करने की। और चल रहा है, कैसे चल रहा है? कुछ नहीं, इस मामले में समझौता नहीं होगा क्लियर, क्योंकि ये पूरे जिले में चल रहा है। लिपा पोती नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं जो नहीं है, जो जनता जो कहेगी वो होगा, आज परिजन जो कहेंगे वो होगा। हाँ भैया, किसी में दब दिया कैसे? हाँ इंगल में दब दिया ये महेंद्र।